कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एग्जाम चल रहे हैं? यस खत्म। अच्छा चलो बढ़िया है, एंजॉय करो। आज का दिन कैसे गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चाउमीन की रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए हमें चाहिए ये नूडल्स, ये मैंने हक्का नूडल्स लिया हुआ है, आप कोई सा भी नूडल्स ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया हुआ है टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, विनेगर, व्हाइट विनेगर, सोया सॉस और सेजवान चटनी। हरी सब्जियों में मैंने लिया हुआ है पत्ता गोभी लंबे कटे हुए, प्याज लंबे कटे हुए, गाजर लंबे कटे हुए, स्प्रिंग अनियन, प्याज भाजी ये कटे हुए, ये लंबी कटी हुई हरी मिर्च, तेल और ये लिया हुआ है मैंने काली मिर्च थोड़ी सी और नमक। आप चाहे तो अजीनोमोटो भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है जो बच्चों के लिए काफी हार्मफुल होता है, इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ। और लेना है, चलिए स्टार्ट है, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए जो हम सॉस बनाने वाले हैं उसमें लेंगे हम ये सेजवान चटनी, आप सेजवान सॉस भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है फ्रेंड्स, ये आप लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको बनाने में। ये देखिए इतना मैंने लिया हुआ है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, थोड़ी सी चिली सॉस, जितनी मिर्ची खाते हैं आप उस हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा सा सोया सॉस, टोमेटो सॉस लेना है हमें थोड़ा सा, ये हम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे व्हाइट विनेगर, आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं। और देखिए इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, ये सॉस पड़ेगा हमारे चाउमीन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चाउमीन बनाना। फ्रेंड्स देखिए ये पतीला रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल नूडल्स पकाने के लिए, थोड़ा सा हम डालेंगे अभी ऑयल और डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम डालेंगे अपना नूडल्स। फ्रेंड्स देखिए ये बॉईल हो रहा है, अब आपको अपना नूडल्स डाल देना है उसमें। ये मैंने 300 ग्राम लगभग नूडल्स लिया हुआ है, और इसे आपको 90% कुक करना है, 90% से भी कम, 85%, क्योंकि हम जब पूरा कुक कर देंगे तो वो पूरा पिघल जाता है, या थोड़ा सा हम लोगों को कुक कम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये नूडल्स पक गए हैं, इसे आपको 100% कुक नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये आप 85% कुक करेंगे। और ये देखिए, और ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया था। चलिए अब कढ़ाई चढ़ाते हैं, कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल लिया है, इसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो चाहे तो आप बारीक कटे हुए लहसुन भी डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं प्याज मिर्ची, देखिए फ्रेंड्स मिर्ची को अच्छे से आपको थोड़ा सा भूरा करना है, मैंने प्याज को थोड़ा साइड में रख लिया ताकि मिर्ची पहले हो जाए। ये हमारी मिर्ची पक चुकी है, अब हम ये जो प्याज था वो भी अच्छे से मिला देंगे, मिर्ची को पहले डालना था, तो प्याज और अब सारी सब्जियां हम डालेंगे। पत्ता गोभी,
गाजर और ग्रीन अनियन थोड़ी सी हमने रख दी है बाद के लिए, और इसको चम्मच चला लेंगे इसके साथ फ्रेंड्स। हम थोड़ा नमक डाल देंगे और नमक डाल के इसे पकाएंगे। सब्जियों को तो हमें ज्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ये थोड़े से क्रंची लगते हैं चाइनीज नूडल्स। हमें सब्जियों को तेज आंच में भूनना है। जब भी हम चाउमीन बनाते हैं तो हमें आंच कम नहीं करना है, इसे तेज आंच में भूनना है। फ्रेंड्स जब ये जो हमने सॉस रेडी किया हुआ था ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा बचा देंगे, और ये हमने थोड़ा सा बचाया है और ये सब्जियों में मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब टाइम है हाई नूडल्स डालने की और ये हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये जो हमारे पास सॉस था इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा और डाल लिया था क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी, आप भी मिला लीजिएगा अपने आवश्यकता अनुसार। और ये मैं फिर से डालूंगी। आप चाहे तो जो चिली वाला विनेगर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है और ये बहुत अच्छा बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसे हमें तेज आंच पर 2 मिनट तक अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। देखिए ये पूरे अच्छे से मिलाना है हमें। ये देखिए सब्जियां भी पूरी पकी नहीं है थोड़ी सी, और वो क्रंची लगती है, अच्छी लगती है। और ये जो हमने स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था ये हम डाल देंगे लास्ट में। ये देखिए डिलीशियस यम्मी वेज नूडल्स या चाइनीज तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। आ रहा है ना मुंह में पानी मेरे भी, चलिए खाते हैं। कैसे लगे नूडल्स तुम लोगों को? बहुत अच्छे। और अभी क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। और कुछ बोलना चाहोगे मेरे चैनल के लिए? क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलना। मजे लो बेटा है। बोलना ही नहीं है, तुम बोलो पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।